और अब बात करते हैं बहराइच की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आगामी 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह तथा हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जनपद वासियों विशेषकर छात्र छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल में आयोजित भव्य जागरूकता कार्यक्रम में राष्ट्रगान के गायन के बीच 50 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष से संपूर्ण विद्यालय परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के नेतृत्व में सस्वर झंडा गीत का सामूहिक गायन भी हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM डॉक्टर चंद्र ने कहा कि स्वतंत्रता सप्ताह तथा हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजन के पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर हो। यह कार्यक्रम हम सभी नागरिकों के लिए राष्ट्र के प्रति अपनी भावना प्रकट करने का एक अवसर है। DM डॉक्टर चंद्र ने कहा कि हमारी युवा शक्ति से संपूर्ण विश्व को बड़ी उम्मीदें हैं। भारत युवाओं का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की नई पहचान बनी है और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ा है। DM डॉक्टर चंद्र ने जनपद वासियों का आह्वान किया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी घरों में तिरंगा फहराएं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ में शामिल होने का अवसर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमें चाहिए कि इस अवसर को सहेज कर रखे। DM ने सभी छात्र छात्राओं का आह्वान की स्वतंत्रता सप्ताह तथा हर घर तिरंगा अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने कहा कि संपूर्ण भारत में विगत 1.5 वर्षों में राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का यह अमृत महोत्सव इस बात की निशानी है कि आजादी प्राप्त किए हुए हमें 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने लोगों का आह्वान किया कि स्वतंत्रता सप्ताह अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पूरे जोश और खरोश के साथ शामिल हों। श्री चौधरी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान है। स्कूल परिसर में स्थापित 50 फीट का तिरंगा हमें यह याद दिलाता रहेगा कि हमें सर्वथा इसका सम्मान करना है। कार्यक्रम के दौरान जयवीर सिंह द्वारा तैयार की गई शांत तिरंगे म्यूजिक की भी लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम के अंत में DM व SP ने छात्र छात्राओं व अन्य मौजूद लोगों को तिरंगा भी भेंट किया। इस अवसर पर विद्यालय के पदाधिकारी छवि रायतानी, प्रदीप रायतानी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक, मीडिया प्रतिनिधि, क्षेत्रीय गणमान्य व संभ्रांत जन तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी व अन्य संबंधित मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं Viraat24 न्यूज के लिए बहराइच से शहनवाज खान की रिपोर्ट। द्वारा बनाया गया था 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में इसे फहराया गया। इस ध्वज में सबसे ऊपर हरी पट्टी, मध्य में पीली पट्टी और सबसे नीचे हरी पट्टी है। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल हैं, जो कि 8 प्रांतों को दर्शाते थे। इस ध्वज को कलकत्ता निर्वासित किए गए कुछ अन्य क्रांतिकारी जैसे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा फहराया गया था। इस ध्वज में ऊपर की पट्टी पर केवल 1 कमल था और 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। मैडम बिकाजी कामा ने इस ध्वज को स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को फहराया था। इसी कारण से इस ध्वज को बर्लिन समिति ध्वज भी कहते हैं।